जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्या वरदे देवी नीलभरत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तु दे। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तु दे। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेश्वरी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल तंत्र विद्या का ज्ञान आप सब देव राधा ट्रस्ट से प्राप्त कर रहे हैं। यदि किसी मनुष्य का कपड़े पर तंत्र हो जाता है, अब कपड़े पर तंत्र का मतलब हो गया आपका कोई भी पहना हुआ कपड़ा या यूज किया हुआ कपड़ा या टॉवेल कह लीजिए, यदि उसका कोई कोना कट जाता हो, कपड़े का कोना काट लिया जाता है, टॉवेल का काट लेते हैं, रुमाल का काट लेते हैं, कोई शर्ट होती उसके अंदर का पीछे से कपड़ा काट लिया जाता है, पेंट के अंदर से काट लिया जाता है। कभी कभी मनुष्य के कपड़ा तंत्र जब करते हैं तो उसके अंडर गारमेंट्स होते हैं वो गायब कर दिए जाते हैं, अंग वस्त्र गायब कर दिए जाते हैं स्त्रियों के, कपड़े की पुतली बना ली जाती है और मरघट में गाड़ दी जाती है। ऐसा भी हुआ है। और कपड़े को कई बार ले जाके अभिमंत्रित करके पानी में पत्थर के नीचे दबा दिया जाता है। अब वो कपड़ा जैसे जैसे गलता जाता है, मनुष्य भी गलता जाता है, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है। और कई बार ऐसा होता है कि प्रथम बार प्रयोग किया हुआ कोरा कपड़ा जो आपने नया के नया सिलवाया हो, खरीद के लाए हो, एक बार पहना, धुला भी नहीं है, उस कपड़े को गायब कर दिया जाता है। जब उस कपड़े को गायब कर दिया जाता है तो उस कपड़े के ऊपर तंत्र विद्या काफ़ी तेज गति से होती है। आपका रुमाल गायब कर दिया जाता है, ब्लाउज जो होता है स्त्रियां पहनती है उसमें भी अंदर की तरफ से कपड़े को काट लिया जाता है। और कई बार जो ज़्यादा शातिर किस्म के शत्रु होते हैं वह जो होते हैं कपड़े का धागा ही निकाल लेते हैं। तो कपड़े का धागा निकालने का मतलब हो गया आपका कोई कपड़ा होता है, आपने जो पहना हुआ है उसका एक रेशा, लंबा रेशा निकाल लेते हैं और उसका फिर दीपक की बत्ती में प्रयोग करके जला देते हैं, जिससे शरीर के अंदर जलने की बीमारी लग जाती है। पर यह सब ऐसे ही नहीं होता है, इस सब के पीछे कोई न कोई तांत्रिक जुड़ा हुआ होता है, जिसको इस क्रिया का ज्ञान होता है और वो इसके अंदर मंत्र डाल करके उस पावर को डालता है। कई बार कपड़े के माध्यम से कोख बांधने का काम भी कर दिया जाता है, कोख बांध दी जाती है आपकी। और कई बार बच्चों को गलाने के लिए, सड़ाने के लिए, बीमार करने के लिए, उसमें कीड़े डालने के लिए बच्चे की जो पोतड़ियाँ होती है, छोटे कपड़े होते हैं, जब वो महिलाएं बाहर सुखाती है तो उनको गायब कर दिया जाता है। और ये काम अक्सर जो है जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो स्त्रियां ये काम करती हैं। तो कपड़े का ऊपर तंत्र भयंकर तरीके से होता है। और आपका दुश्मन को हमेशा छोटा मत समझो, दुश्मन ये मान के चलो आपसे दो कदम आगे रहेगा तो आपको सुरक्षित रहना है,
तो कपड़े पर विशेष तौर से ध्यान रखो। आपके स्त्रियों के मासिक धर्म का जो कपड़ा होता है, उस मासिक धर्म के कपड़े के ऊपर भी तंत्र विद्या कर दी जाती है और कोक को बांध दी जाती है। कई बार मासिक धर्म जल्दी बंद हो जाता है और उसी कपड़े के ऊपर शमशान की कुछ शक्तियों को छोड़ दिया जाता है। तो कपड़े को लेकर के, शमशान की धूल मिट्टी को लेकर के, शमशान में डेड बॉडी को बांध करके लाए हुए लाल कलावे से और शमशान के अंदर जो कफन जाता है शव के ऊपर, उस कफन के पुतली बनाई जाती है उस कपड़े को मिला करके। फिर उसके ऊपर तंत्र विद्या होती है और पुतली बना करके उस पुतली के ऊपर गाड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है या फिर सुई चुभाई जाती है, बलि भी दी जाती पूजा में, और फिर उस शक्ति को छोड़ दिया जाता है। तो व्यक्ति जैसी तंत्र विद्या उस पुतली में हुई है, वैसी तंत्र विद्या उस मनुष्य के ऊपर होने लगती है। तो आप सजग रहें। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यदि आपका कपड़ा कट जाए तो आप समझ जाओ कोई ना कोई तंत्र विद्या हो गई है। आपका शर्ट कट सकता है, पैंट कट सकता है, साड़ी कट सकती है, दुपट्टा कटा जा सकता है, कुर्ता कटा जा सकता है, कुर्ती काटी जा सकती है, और कई बार तो पूरे पूरे कपड़े ही गायब कर देते हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा कपड़ा गायब होगा। वो 6 महीने साल भर बाद पता लगता है जब आपको तरह तरह की बीमारियाँ लग जाती है। उस समय कोई भी मेडिकल रिपोर्ट काम नहीं करती है, कोई भी मेडिकल रिपोर्ट काम नहीं करेगी, गोली दवाई काम करना बंद कर देती है। मेरा काम है सिर्फ आपको आगाह करना। यदि किसी को ऐसे जो मैंने सिम्टम बताए, ऐसा यदि हो रहा हो कि बीमारी तो है परंतु मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आ रही हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। हो सकता है एक बार के इलाज में यदि आपका काम न बने तो आपको दूसरी बार भी आना पड़ेगा, तीसरी बार भी आना पड़ेगा। कभी कभी तंत्र विद्या बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है तो फिर उसको काटने के लिए 2-3 बार हमें पूजन अर्चन अनुष्ठान करना होता है। तो देवराधा ट्रस्ट से आप संपर्क करें 9893128047 और 7649862712। इन नंबरों पर आप संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करें, संदेश देकर के संपर्क करें, ताकि आपको इस तंत्र विद्या से जो परेशान है, पैसा पानी की तरह बह रहा हो तो वो उसको रोका जा सके और आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सको। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप इस तंत्र से परेशान न हो, तंत्र को सीखो, तंत्र काटना सीखो। यदि कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है तो आप हमसे अपनी रक्षा कैसे करें वो चीज़ हम आपको सिखाते भी हैं। यदि कोई धन प्रेमी बंधु सीखना चाहता हो तो भी देवराधा ट्रस्ट से संपर्क करें। समर्पण भाव के साथ में उसको आना होगा तो निश्चित तौर से वो अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते।